हाय गाइस वेलकम वेलकम बैक तो अभी शुरू हो चुका है हमारा आज का दिन एंड अभी बजाय सुबह के दस और मैं तैयार हो गई हूँ क्योंकि मुझे अभी जाना है कोचिंग एंड कोचिंग क्लास आज 11 बजे से है तो मुझे निकलना है साढ़े दस बजे तो अभी 10 बजे तो आधा घंटा में मुझे खाना है और तैयार होना है मतलब तैयार तो मैं हो गई हूँ खाना है वो बैग वगैरह पैक करना है तो मुझे मुश्किल से उसमें बीस मिनट लगेगा और यहाँ से जाने में मुझे को करोलबाग लगता है अराउंड वही दस दस पंद्रह मिनट तो चलिए करते हैं आज के दिन शुरू आप लोगों के साथ एंड अभी मैं खाती हूँ और निकलती हूँ फटाफट और देखती हूँ आज का दिन कैसा रहता है एंड साथ में आप लोगों को भी दिखाती हूँ यहाँ पर मैंने दूध बॉयल करने को डाल दिया है तो मैं सोचूँ या तो चाय बना लूँ या तो दूध कांफ्लेक्स खा लूँ बट देखती हूँ ज़्यादा देर तक भूखे रहूँगी तो आ, कुछ दिमाग में घुसेगा नहीं तो अभी देखती हूँ क्या खाती हूँ और समझ नहीं आ रहा है मुझे ऐसे ना अकेले जब हम रहते हैं तो ऐसा लगता है कुछ भी खा लो है ना बट प्रॉपर मील लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो गाइज फाइनली मैंने दूध कॉन्फ्लेक्स ले लिया था एंड लास्ट टू लास्ट वीडियो इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कमेंट करके पूछा था कि आपके रूम का रेंट कितना है एंड दिल्ली में कैसे आऊँ मैं रूम ढूंढ रही हूँ दिल्ली में बट मुझे मिल नहीं रहा या फिर ब्रोकरेज ऑल तो इन सब के लिए फुल वीडियो में लेके आ रही हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो यही होगा कि क्या कहते हैं दिल्ली में कितना खर्चा होता है रहने का और दिल्ली में कैसे रूम वगैरह ढूंढे और दिल्ली में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है एंड क्या क्या चीज़ें हमें पहले से प्रिपेयर करना होता है तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को मिक्स और sure सब्सक्राइब कर लें आप ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल जाए तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मुझे लग गए तो प्याज तो मैंने ले लिया था एक सिकंजी का ग्लास एंड उसके बाद फिर मैं घर को निकल गई घर को पहुंचने के बाद मैंने टाइम देखा था तो टू फिफ्टीन के राउंड हो एंड क्लास खत्म होने के बाद मैं डायरेक्ट घर आ गई थी सिकंड चीवने के बाद एंड ये मेरा ओ था आज का एंड इसके बाद में थोड़ा धूप से आई थी तो मुझे बहुत ही ज्यादा थकान जैसी हो रही थी मैंने दस मिनट का ब्रेक लिया एंड उसके बाद मैं सोच रही थी कुछ बनाऊ क्योंकि बहुत तेज भूख लग गई थी एंड मैं कुछ बना के नहीं गई थी तो अब मैं सोच रही हूँ कुछ बनाने का तो गईस अभी हम बना रहे हैं चीला तो पहले इसको मिलाते हैं ख़राब मुझे नहीं पता चीला में हल्दी डलता या है या नहीं बट डाल देते हैं एक तो मैं धूप से आई हूँ ना मेरा दिमाग ऑलरेडी घुमा हुआ प्याज टमाटर भी डाल दे दो ताकि थोड़ा तो अच्छा लगे खाने में दिल्ली में रहने के बहुत सारे साइड इफेक्ट है एंड सबसे बड़ा साइड इफेक्ट तो ये है कि आपको बाहर अच्छा खाना नहीं मिलता एंड दूसरा अगर आपको खुद अच्छा खाना खाना है तो आपको बनाना पड़ेगा तो यार ये चीज़ है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और स्पेशली जब आपको खाना नहीं आता है बनाने ना आप अकेले रहते हो तो अच्छा खाना मिलना भी बहुत मुश्किल है एंड बाहर इतना अनहाइजीन होता है खाना और अनहेल्दी भी यार प्लास्टिक के चावल खिलाते हैं यहाँ पे चावल के नाम पे तो इससे बेटर है कि हम घर में खुद से बना ले चाहे कैसा भी आए एंड सीखना तो है ही हमें हर चीज़ आना चाहिए किसी एक भी इंसान को तो ठीक है खुद से बनाएंगे तो पैसे भी सेव होता है पहला चीज़ ये और दूसरा चीज़ ये कि हमें अच्छा खाना भी मिलता है घर का खाना मिलता है और हमारे हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होता है जब हम डेली में नहीं रहते ना तब हमें ऐसा लगता है कि वहाँ डेली जाके ना बीस घंटे पढ़ेंगे चार घंटे सोएंगे लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता है बट ठीक है कुछ चीज़ें हम जब तक खुद एक्सपीरियंस ना करें ना तब तक हमें समझ नहीं आती है तो ठीक है कोई बात नहीं गाइस तो ठूसने के बाद हम वापस आ गए अपने टेबल में अब हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाई लिखाई तो चलिए चलते हैं और करते हैं पढ़ाई लिखाई क्योंकि वही काम के लिए हम यहाँ पे दिल्ली में हैं बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे कि मैम सुबह कैसे उठा जाए क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ बट उठ ही नहीं पाता हूँ सुबह तो ना एक चीज़ बहुत अंडर है जो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है उठने में ये कि जब हम रात में सोते हैं ना तो अपने तकिए को ये बोल के सो कि भाई मुझे सुबह उठा देना देखो इस प्रिपरेशन में ना हमारे मेन जो सुख दुख का साथी होगा वो होगा हमारे बुक हमारे तकिए और हमारी फैमिली इसके अलावा ना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई इम्पॉटेंट होता है बट इसको मैं आगे कंटिन्यू करूँ इससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को If you're watching this, then stay hydrated. हाँ तो हम यहाँ थे कि अपने तकिए को अगर हम बोल देंगे कि उठा देना तो हमारी ना एक बार नींद ज़रूर खुलती है और सोने से पहले ना अपने माइंड को दस बार ये बोलो कि मुझे सुबह उठना है एनी हाँ उठना है मतलब उठना है तो ना हमारी नींद ना एक बार सुबह चार बजे ना ज़रूर खुलती है हमारा माइंड क्योंकि एक्टिव हो जाता है तो जब हम सुबह उठते हैं ना और अगर उस टाइम पर सुबह उठने के बाद उस टाइम पर आलस कर दिया ना भाई फिर तो कुछ नहीं हो सकता फिर तो तुम्हारी नींद ना उसके बाद जो लगेगी सीधे दस बजे ही खुलेगी तो तुम्हें आलस नहीं करना है स्नूज बटन हिट नहीं करना है एक अलार्म लगाना है बस एक अलार्म लगाना है और अपने बेड से दूर रखना है और ओवर स्लीप तो कभी नहीं करना चाहिए लोग कहते हैं आठ से दस घंटा सो लेकिन यार आठ से दस घंटा नहीं सोना चाहिए अगर हम कितने सारे चीसें सा आ रखी है अगर हम वो सब पढ़ते ना तो हमें पता चलता है कि जब हम ज़्यादा सोते हैं ना तो हमें मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है हमारी जो इम्यून सिस्टम है ना वो वीक होने लग जाती है एंड हमारा मेमोरी भी ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता और हम ना हमेशा दिन भर थके थके फील करते हैं इनफैक्ट मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है अगर मैं ना आठ घंटे से ज़्यादा सो जाती हूँ चलो आठ घंटे मिनिमम ठीक है बट सात आठ घंटे से अगर मैं ज़्यादा सो जाती हूँ ना तो मुझे मेरी बॉडी ना बहुत पेन करने लग जाती है एंड पूरे दिन भर ऐसा दिमाग ख़राब होता है ना कि यार क्या मतलब ना पढ़ी हूँ सुबह उठ के ना आठ घंटे सो रही हूँ मतलब ऐसे कैसे चलेगा ना इन फ्यूचर आने वाले टाइम पे ना हमें खुद रियलाइज़ होगा कि सोने के लिए ना बहुत घंटे मिलेंगे लेकिन ना जो हम इस टाइम ये जो टाइम है ना अगर ये एक बार चला गया ना तो ये वापस नहीं आ सकता है एंड टाइम तो कभी नहीं रुकता है, किसी के लिए नहीं रुकता है। तो तुम अगर दस घंटे सो रहे हो दिन में और तुम हफ्ते में कितने सो रहे हो महीने में कितना सो रहे हो अपने पूरे प्रिपरेशन में कितना सो रहे हो तुम खुद कैलकुलेट कर लेना और तुम्हें खुद रियलाइज़ होगा कि यार सोना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है हाँ सोना इम्पॉटेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे बॉडी को नीड है एक्स्ट्रा सोना एक्स्ट्रा आलस करना ये तो सारी बकवास ही है एक और जो बहुत ही अंडर है वो है अपने दिन का ना शुरुआत करना एक ग्लास पानी के साथ हाँ ये बहुत अंडर है बट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि लास्ट कुछ टाइम से ना मैं जब भी सुबह उठती हूँ मेरे बगल में या तो बॉटल रहता है और मैं सीधे उठ के पानी पीती ही पीती हूँ या तो गर्म या तो ठंडा तो इससे क्या होता है पहली चीज़ तो ये होता है कि ना ये जो मुझे ना फूड क्रेविंग बहुत है मैं बहुत बड़ी वाली फूड ही हूँ तो मुझे ना फूड क्रेविंग बहुत होती है तो मैं जब हम पानी पीते हैं ना तो उससे हमारे फूड क्रेविंग कम हो जाती है और हमारे मूड को भी अपलिफ्ट करता है ये तो ये सारी चीज़ें ना हमारे छोटी छोटी चीज़ें हैं बट हमारे लॉन्ग टर्म में ना ये छो, सारी छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है तो आप लोग भी ट्राई करें कि छोटी छोटी चीज़ें स्टार्टिंग में इम्प्रूव करें क्योंकि सडनली अगर हम ना पंद्रह घंटे पढ़ना स्टार्ट करते तो वो नहीं होता लेकिन अगर हम दो दो तीन तीन घंटे पढ़ना स्टार्ट करते हैं एंड फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली उसे इंक्रीज़ करते हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है तो वैसे ही हमारा और बाकी सारी चीज़ें भी होता है अगर तो छोटी छोटी चीज़ों से हम स्टार्ट करेंगे चीज़ें तो हमारी लाइफ जो है वो बेटर बन जाती है और कंपेयर करेंगे पहले से तो तो गाई यहाँ पे सारा स्लॉट कंप्लीट हो गया टारगेट वगैरह कंप्लीट हो गया और अभी बचा है 3:48 कैसे देखो 3:48 हो रहा और घड़ी फ्रंट कैमरे से मैं शूट कर रही हूँ तो तो 3:48 हो गया है और अब हम सोने जाएंगे क्योंकि कल मुझे क्लासेस भी जाना है तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और यार अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो ना और मिलते हैं अगले व्लॉग में थैंक यू सो मच बाय बाय मैं बायूर स्टार्ट करते हैं अपना कोचिंग के आने के बाद से का फर्स्ट शेड्यूल फर्स्ट स्लॉट